अमरीश जी के बारे में इतने भी हमारे साथियों ने बात रखी, कुछ भी कहिए बहुत कम है। और जैसा तमाम साथी कह रहे हैं, उनसे करीबी की बात हो, चाहे लगाव की बात हो, या एक दूसरे से मिलने, सबको सहेज करके संजो करके रखने की बात हो, उसके साथ साथ मुद्दे की बात, मुद्दा सबसे आगे हो, ये कैसे, ये अमरीश भाई की जो खासियत, मुझे इस पूरी, मैं ज्यादा कुछ डिटेल में या वो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, और कुछ चीजें साझा करना चाहता हूँ। करीब करीब मुझे लगता है कि कई महीनों तक, मेरा ख्याल है कि एकता उस समय एयरपोर्ट में थी जब मेरी बात हो रही थी कि आप कब लौटेंगी, और फिर कैसे क्या, तो शायद आपको भी फीवर बढ़ा था और इस तरह की बात वो कर रहे थे। अभी दिल्ली की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, और उसके पहले अमरीश भाई से लगातार बात हो रही थी, 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले ही हम लोगों ने दलित विमर्श पे एक बढ़िया वेबिनार किया, और उस वेबिनार की जिम्मेदारी उन्होंने पूरे तरीके से ये कह करके सौंपी कि इस काम को मैं किसी को नहीं कॉन्टेक्ट करूँगा, और जो करना है आप करिए, और जितने भी लोग आते हैं और जो भी वक्ता है सबको आप फोन कीजिए और बात कीजिए और फिर कहिए। कभी कभी इस अंदाज में भी वो बोल देते थे, और बोलते थे, हमेशा ही बोलते थे। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। वेबिनार बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी नए किस्म से जो वक्ता थे वो लोग भी आए, गोपाल प्रधान थे, श्रीनिवास थे, या इस तरह के और भी लोग थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ नई जिम्मेदारियों को कैसे वो सौंपने की जो बात थी, और उसमें कैसे वो आगे बातों को बढ़ाते थे, जिसके बारे में आत्रेय भी कह रही थी कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। लेकिन खैर, ये तो बातें एक हैं। कई महीनों तक मुझे सुबह 5:30 के आसपास ये याद आता रहा, या कोई आवाज आती रही कि अरे अभी तक आप जगे नहीं है क्या? नहीं नहीं, जग गए। और अरे यार, अभी तक सोने का समय नहीं है, जगने का समय है, उठ करके चलने का समय है। कितने बजे मिलेंगे हम लोग, आप बताइए। आप बोलिए 7:30-7:30 तक हम लोग इस मेट्रो पे मिलते हैं। और वही सार्वजनिक परिवहन था जिससे कि हमेशा वो आना जाना और ये सारी चीज़ें, और ये खास करके तब जब हम लोग पार्लियामेंट्रियन की बैठक करते थे, उस समय काफ़ी सुबह सुबह जाना होता था। नूपुर यहाँ पे है, वो उसमें इंगेज रही हैं, तो उसको मालूम है कि किस तरह से सुबह शाम उनके यहाँ पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठना, बात करना, उनको अपने मुद्दे समझाना, और जैसा कि अभी जयकुमार जी कह रहे थे कि उन सारे मिनिस्टर्स के बीच में, चाहे बाकी और लोगों के बीच में, कई बार लगता था कि किस तरह से कोई शख्स बात अपनी रख सकता है पूरे बोल्डली, पूरे विजन के साथ, उसमें पूरे तर्कों के साथ। तो बहरहाल, ये तो खैर अमरीश भाई का जो एक पूरा करिश्मा था। थोड़ा कुछ और बातों को अगर देखें तो अमरीश भाई का ये मुकम्मल व्यक्तित्व एक्चुअली शिक्षा की वजह से सिर्फ नहीं था। दरअसल वो समाज की जो का जो पूरा गति विज्ञान है, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जाने वाला है या चलने वाला है, उसको वो कहीं आगे तक जा करके देखते थे। और ये चीजें थी इसलिए कि उनका जो बैकग्राउंड था, तकरीबन 17-18 साल की उम्र से उन्होंने जो काम करने की जो उनका पैशन था पूरे समाज के प्रति, समाज को बदलने के प्रति,
वो जो पैशन था वो था जिसमें छात्र आंदोलन से लेकर के ट्रेड यूनियन मूवमेंट से लेकर के फार्मर्स मूवमेंट से लेकर के और इस तरह की जब उन्होंने छात्र जीवन में ही एक बड़ी साइकिल यात्रा की और उसके बाद 40 दिन जेल में भी काटे और उसके बाद भी मतलब तमाम मूवमेंट्स हुए वो गिनती याद नहीं है। जब बीच में उन्होंने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का भी और विधानसभा का भी वो समय भी हमें याद है। या बाकी जैसे उनको सुनने के लिए जो भीड़ लग जाती थी और उस वक्त ये तो ये असल में वहाँ से है और वहाँ से आकर के इस पूरे शिक्षा के जो आंदोलन को पकड़ना यानी कि नैफे जब बना था और उसके बाद नैफे का पूरा समय उसके बाद पीपुल्स कैंपेन फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम बना उसका समय जिसमें कि मुचकुंद दुबे अनिल सतगोपाल भाई ये सारे लोग थे वो समय और उसके बाद फिर ट्राइबल मूवमेंट से जुड़ने का समय और फिर राइट टू एजुकेशन फोरम बनने का समय ये पूरा वक्फा जो है ये पूरा जो हिस्सा है जीवन का इसमें बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। और अमरीश भाई का हमेशा आगे चलना है पहला कौन तो उसमें अमरीश जी होते हैं सबसे आगे पहुंचने वाले सबसे पहले बात रखने वाले सबसे पहले ये सब तमाम जो खूबियां थी ये तो थी। मैं थोड़ा सा इन संदर्भों में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो राइट टू एजुकेशन फोरम बना और उसके बनने के पीछे जो पूरी एक कवायद रही जब आरटी एक्ट आया सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद आया बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसके बनने की पूरी प्रक्रिया थी उसमें विनोद रैना साहब से लेकर के बाकी जो अलग अलग संगठन के लोग थे अनिल सतगोपाल जी से लेकर के बाकी जो केप कमेटी के मेंबर्स थे कई और अमरीश भाई भी उस समय वो नैफे के जमाने से चला रहा था और फिर PCCSS के जरिए जो चीजें आगे बढ़ी थी उसके बाद जब आरटी एक्ट आया और आरटी एक्ट जब आधा अधूरा है उसके बाद भी ये तय हुआ कि हम लोग इस एक्ट को मानेंगे और इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के साथ साथ क्योंकि 6 से 14 साल तक का ही है तो इसके साथ साथ इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे उसकी लड़ाई करेंगे। ये तो हुआ कि शिक्षा के अधिकार के कानून को कैसे आगे हम ले जाएं इस संदर्भ में लेकिन जो पूरी सांगठनिक सोच थी जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कानून जमीन पे तब तक नहीं उतर पाएगा जब तक कि देश और समाज वो जो पूरा हिस्सा है उस कानून के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा वो उसको वहां से वॉयस नहीं उठे और उसके लिए आरटी फोरम बना था। आरटी फोरम बेसिकली केवल शिक्षा का संगठन नहीं है केवल शिक्षा के लिए काम करता है ऐसा संगठन नहीं है। राइट टू एजुकेशन फोरम ऐसा संगठन है जो तमाम जो मुद्दे हैं समाज के जो मुद्दे हैं दलित विमर्श के जो मुद्दे हैं ट्राइबल्स के जो मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे हैं हर आंदोलन को लेकर के एक जो सेंसिटाइजेशन था उसको कैसे हम आगे लेकर के चले ये असल में राइट टू और उसमें शिक्षा का जो मुद्दा पूरा है उससे हम कैसे बदलाव की जो गुंजाइश देखते हैं समाज को जो बदलने की जो गुंजाइश देखते हैं या उसकी पॉसिबिलिटी तलाशते हैं उसमें किस तरह से बाकी तमाम लोगों को जोड़ा जा सके उसकी जो पॉसिबिलिटी हम देखते हैं ये असल में आंदोलन था। और ये शिक्षा का आंदोलन है जो समाज को बदलने की जो बात है कि शिक्षा से सामाजिक बदलाव सामाजिक परिवर्तन ये जो सोच है वो किसी बंधे हुए सोच के तहत नहीं बल्कि इन सारे चीजों को लेकर के आगे बढ़ने की जो बात है इसलिए हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन फोरम के भीतर देश भर के तमाम संगठन तमाम नेटवर्क तमाम CSOs, तमाम जो भी इस तरह के ग्रासरूट संगठन है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये 10,000 संगठनों का एक समूह है। अगर आज को ये पूछे एक बार बीच में चला था कि ये 10,000 संगठन कौन है जरा हम नाम उनका गिन ले तो नाम गिनने की जब बात आई तो हुआ कि भाई इसकी कोई लिस्ट बनेगी क्या तो कैसे लिस्ट बनेगी तो भाई ये देखिए ऐसा है कि अलग अलग स्टेट हैं अलग अलग स्टेट फोरम्स हैं और स्टेट फोरम्स के भीतर जो वहां पे जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग ग्रासरूट संगठनों के साथ जुड़े हैं हम हर जगह डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते
लेकिन वो जहां जहां पहुंच रहे हैं, जहां जहां बात कर रहे हैं, जहां जहां समुदायों में जा रहे हैं, एसएमसी में जा रहे हैं या बाकी अन्य जगहों पर जा रहे हैं, वो सब हमारे हिस्से हैं जहां हम राइट टू एजुकेशन की बात पहुंचा सकते हैं। और अगर नहीं पहुंचा सकते, अगर हम लोग 20 लोग 50 लोग बैठ करके बंद कमरे में बात करके और इसके मिनट्स बना करके आपस में सर्कुलेट करके सिर्फ यहीं तक हम लोग बात इसको हम लोग सीमित रख देंगे तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ने वाली। हमारा कुछ काम है पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो सकता है, कुछ एडवोकेसी का काम हो सकता है, लेकिन बाकी जो ग्रास रूट के संगठन है वो हमारे स्टेट फोरम्स देखते हैं, स्टेट फोरम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो देखते हैं। और ये इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है, ये जो पूरी बात है ये असल में राइट टू एजुकेशन फोरम का के बनने का और उसको एक इस तरह के ढांचे में बनाए रखने का जो एक पूरा सपना था और उसको और ब्रॉड बेसिंग करने का सपना था वो एक्चुअली ये है राइट टू एजुकेशन फोरम। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें सीमित समय में कहना मुश्किल भी है और कहने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साथी हैं हमारे वो इतने समय से जुड़े हुए हैं कि उसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर याद दिलाने की जरूरत है कि राइट टू एजुकेशन फोरम का पूरा स्वरूप इस तरह से एक है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जो दो दिन है उसमें जब हम चर्चा करें तो उन चर्चाओं में हम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, हम विजन डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं होगा, ये पता भी नहीं होगा, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं, उसके बावजूद शायद उनमें से कुछ लोगों को पता हो या ना हो कि विजन डॉक्यूमेंट क्या था। इसलिए बार बार मुझे लगता है कि 2015 में आखिरी बार हमारी नेशनल काउंसिल मीटिंग के समय ये विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा गया था रानी के, उसके बाद से विजन डॉक्यूमेंट पे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये सब चर्चा जब हम आगे दो दिनों में करेंगे और आगे चीजों को ले जाने के लिए और बांधने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि फोरम को किस स्वरूप में हमें रखना, उसमें किसकी किसका रोल क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको हम कितना रेजिमेंटेड बनाएंगे, कितना हम स्ट्रक्चर को कितना ढीला करेंगे, कितना ढीला छोड़ेंगे और कितना हम उसको इस तरीके से रखेंगे कि कम से कम वो अनस्पेल्ड भी ना रहे। चूंकि अभी जो अम्बरीश भाई जब नहीं है तब ये महसूस हो रहा है जैसा कि अंजला ने कहा कि कहां कहां से कितने किस्म के दबाव, कितने किस्म के प्रेशर खेलते हुए भी अम्बरीश भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है और ये हम में से हर किसी को महसूस हो रहा है और हर किसी को कॉम्रेडशिप महसूस हो रहा है। ये एक बड़ी 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 बात और वाकई जैसा कि निशा ने कहा कि एक योद्धा जो समाज को बदलने के लिए लड़ रहा था और उसको मालूम था कि शिक्षा अपने आप में कोई आंदोलन बन जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन शिक्षा को हम कैसे बाकी लोगों से जोड़ करके उनकी जिज्ञासा को जगा करके और उसको एक आंदोलन की शक्ल दे देंगे, ये एक है। तो आरटी फोरम क्या ये प्लेटफॉर्म बनने के लिए आगे के 10 सालों में का विजन तय करने के लिए तैयार है जो इन सारी चीजों के बात कर सके, इन मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो अम्बरीश भाई के रहते समय बहुत सारी चीजें वो अपनी सक्रियता से उसको ढाप लेते थे, वो इतने सक्रिय रहते थे कि बहुत सारे सवाल जो हो सकते थे उनको भी सवाल होने की गुंजाइश नहीं मिलती। लेकिन अब हम लोगों को बहुत ही संजीदगी से ये सोचना होगा और इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि हम लोग कैसे न केवल इसके स्वरूप को बरकरार रखते हुए कैसे इसको हम लोग और ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है और कैसे उसकी सृजनात्मकता की जरूरत है, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, जो समाज के भीतर जिसपे की लगातार हमले होते रहे हैं और जो राइट टू एजुकेशन फोरम जब बना था, मैं दो मिनट एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, जब राइट टू एजुकेशन फोरम बना था तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था, उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो अलग था और
बाकी और जो चीजें थी वो भी काफी अलग अलग तरीके से हमारे सामने थी। तब हमारे सामने एक सपना था कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कराने की तरफ है। आज जब सिर्फ 25.5% आरटी एक्ट का कंप्लायंस है तो ये अपने आप में बताता है कि पिछले 10 सालों में आरटी एक्ट किस तरह बढ़ा है। लेकिन खतरा ये है कि आज जो हमारा रूलिंग क्लास है, पहले भी किसी कोई भी उनकी शिक्षा की अपनी सोच है और ये जो बहुपरती शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है मल्टी लेयर, ये असल में बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुसंख्यक को शिक्षा के दायरे से बाहर करने की एक सचेत कोशिश है और ये कोशिश अब लगातार बढ़ती जा रही है, समाज के अलग अलग हिस्से में भी बढ़ती जा रही है। और अगर लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन, अगर लोगों के रहने सहने की पोजीशन, लोगों के लिविंग पोजीशन, ये सारी चीजें अगर खत्म होगी तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा को हम बचा पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी एक बात है इसको कहीं ना कहीं आगे के पूरे डिस्कोर्स में, अभी जब अनिता रामपाल जी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेंगी, वो जब अपनी बात रखेंगी, या प्रवीण दा हैं वो अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इन सारे तमाम पहलुओं पे ये बातें होंगी। और उसके बाद जब आने वाले जो दो दिन का चर्चा है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस एजेंडा में हमें क्या और चाहिए, क्या और बातें महत्वपूर्ण है जो छूट गई हैं, उस पर भी हम लोग उसको रेखांकित कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के बाद और फिर हम आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि यही बात है और एक हिम्मत के साथ शायद हम लोगों को फिर से, चूंकि 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग इस अपनी कार्य योजना इस तरह से बनाए जो कि सिर्फ कार्य योजना के रूप में शक्ल में ना दिखे बल्कि कहीं ना कहीं वो पूरे देश भर में रिफ्लेक्ट हो, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चुनौतियों के साथ वो रिफ्लेक्ट हो, पूरी कार्य योजना आगे हम लोग बढ़ा सकें, ये एक हमारा बहुत बड़ा टास्क हो। तो अमरीश भाई को फिर से एक सलाम करते हुए, जिंदाबाद बोलते हुए और यह कहते हुए जो उनका सबसे प्रिय गाना था, प्रिय गीत था कि सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। और आगे अभी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कॉमरेड महेश्वर का लिखा हुआ गीत था, एक बार मुझे मैंने मना कर दिया कि मैं आज गला खराब है, नहीं तो गा पाऊंगा, तो काफी गुस्सा हुआ लखनऊ। और उसके बाद उस दिन उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनसे, चूंकि उनको नहीं मालूम था कि मतलब ऐसा कुछ है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं गया। हमने कहा आवाज ही नहीं निकल रही है तो ऐसे ये करते। हमने कहा अरे यार ये पहले मेरे बोलने से पहले बता देते ताकि मैं कम से कम वहां पे सार्वजनिक रूप से तो नहीं बोल देता कि, तो मैंने कहा कि क्या कहूँगा, मुझे क्या पता है कि आप अचानक से बोल देंगे कि इसको आप शुरू कर दो। तो वो फिर ऐसे ही थे, लेकिन पल में एक बात होती थी और उसके बाद फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को थोड़ा जीवंत रहने की जरूरत है। ये जीवंतता पिछले 2 सालों में टूट गई है, लोगों से बातचीत का जो सिलसिला टूटा है, वेबिनार्स ऑनलाइन ये सारी चीजें होने के बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि एक दूसरे के साथ तारतम्यता कहीं ना कहीं टूट गई। उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर राइट टू एजुकेशन के मुद्दे को जिंदा रखना है तो उसमें एक सचेत प्रयास करने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रयास सचेतन तरीके से ही होता है और बदलाव की ये कोशिशें भी सचेतन तरीके से होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमले करने वाली कोशिशें उससे ज्यादा सचेत हैं और वो अपने तमाम एजेंडे के साथ आपके सामने, और वो ये जो पूरी बात है, जैसे हम देखेंगे कि एनईपी पे, एनईपी हमारे पास में है और एनईपी पे डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी ने 2.5 लाख प्रतिवेदन मंगवाए, तो 2.5 लाख प्रतिवेदन मंगाए, उसमें आरटी फोरम का भी प्रतिवेदन है, उसमें बाकी अन्य संस्थाओं संगठनों का भी प्रतिवेदन है, और एनईपी जो उन्होंने दिया है वो भी आप देख लीजिए उसमें हमारे कितने चीजें शामिल है। तो ये जो पूरा रवैया है ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से चीजों को बस
करते जाने की बात है और उसको आप कह दीजिए कि भाई हमने सबसे राय शुमारी कर ली और अब ये आपके सामने है, अब ये बेसिकली इम्पोज कर दिया और उसको लागू करना है, उसको लागू कर रहे हैं बिना किसी बहस के लागू कर रहे हैं बाकी तमाम। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सब तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं आज की तारीख में, उसको लेकर के हम लोग को कैसे बढ़ना है। हम लोग आगे दो दिनों में देखेंगे नेशनल काउंसिल की ये जो सुप्रीम बॉडी है और वो कैसे इन चीज़ों को आगे ले जाती है। अभी जो श्रद्धांजलि पुष्पांजलि का अमरीश भाई के साथ बात करते हुए जो समय था, मुझे लगता है कि एजेंडा के पूरे समय में भी थोड़ा फेरबदल हो गया है और ये बहुत जरूरी भी था कि हम कुछ बातें औपचारिक मीटिंग शुरू करने के पहले करें। वो बाहर चाय भी है और मुझे लगता है कि एक बार चाय पी करके और फिर हम लोग वापस आए और तब फिर हम लोग आगे एजेंडा के सत्यम कह रहे थे, एक समय ऐसा आ गया कि फेसबुक खोलने में या कोई भी सार्वजनिक सूचना पढ़ने में बड़ा डर सा लगता था। व्हाट्सएप ग्रुप इतने बने थे जिसमें कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे साथी बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए नहीं रहे।
हमारे साथ तकरीबन हर मौके पे रमेश मस्ताना जी थे जो हिमाचल से, और बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए तमाम चीज़ों पे बात करते हुए वो प्रोग्राम में आते थे, शरीक होते थे, और हिमाचल आरटी फोरम के साथ काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए और लगातार वहाँ पे काम में सक्रिय रहते थे। इसी तरह से अचानक ही उनकी भी डेथ हुई और वो सुनकर के बड़ा शॉकिंग लगा। बिहार में भी कुछ साथी जिनको हम जानते थे वो भी इसी बीच में गए। हम लोग का बिहार में जो कार्यक्रम चल रहा था, खास करके लैंडस्केप स्टडी चल रही थी, लैंडस्केप स्टडी के संदर्भों में हम लोगों को जो एक कुछ एक मीटिंग्स हमने की थी, उसमें एक साथी अनिंदो वो नहीं रहे, और ये तमाम जो साथी गए हैं, मेरा अपना और शायद आप सब लोगों का ये विश्वास जो है, हम लोगों का विश्वास नहीं मतलब ये जो एक पूरा घटनाक्रम है, दरअसल ये पूरे सार्वजनिक सिस्टम का फेल्योर है, हेल्थ सिस्टम का, सार्वजनिक जो हेल्थ सिस्टम है उसका फेल्योर है, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है उसका फेल्योर है, और इस वजह से ये सिस्टमिक जो चैलेंजेस हैं या जो कुछ है उससे इन सारे साथियों को जाना पड़ा असमय। तो मैं इसके साथ ही इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम को औपचारिक रूप से शुरू करें, हम इन सारे साथियों को के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं अपनी, और वो सारे यस सर जो सारे साथी, जो तमाम लोग जो जिनको हम शायद अलग अलग सेक्टर के लोग जानते होंगे, शायद हम उतना उनसे परिचित नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी कई साहित्यकार थे, कई और अन्य फील्ड में काम करने वाले जो लोग थे वो लोग भी नहीं रहे इस बीच में। हाँ, सहवालदा इससे पहले वाले कड़ी में सहवालदा भी नहीं रहे, और सहवालदा का भी मतलब थोड़े पहले ही उनका जब घटना हुई उसके थोड़े पहले ही उनका एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मितंजन मैं अब कलकत्ता में से रांची आ रहा हूँ और अब रांची कार्यक्षेत्र बनाऊँगा, तो अब यहाँ पे उतना मन नहीं लग रहा है अब यहाँ पे, तो कैसे क्या होगी, फिर मैं देखता हूँ उधर आऊँगा तो मुलाकात होगी। और उसी समय फिर अमरीश भाई से भी बात हुई कि ऐसा सहवालदा भी कह रहे थे और ये तो ठीक है मिलेंगे, फिर अचानक हुआ कि वो तो खैर, मतलब ये सब तमाम जो साथी हैं उनके प्रति हम लोग राइट टू एजुकेशन फोरम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और अपनी अपने क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया, लगातार सक्रिय रहे, उसको याद करते हुए, और इन सारे सपनों की वजह से ही समाज आगे चलता है, और कुछ जो सक्रिय लोग होते हैं खास करके उसकी वजह से ही तमाम जो क्षेत्र हैं, कार्यक्षेत्र हैं, उनकी एक निरंतरता बनी रहती है, और वो लोगों के अधिकारों को लेकर के जिस तरह से सचेत रहते हैं, काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से जो जीवंतता एक बनी रहती है लोगों को जोड़ने का, वो सब मिल करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करती है, जो समाज को बताती है कि अलोकतांत्रिक व्यवहार या अलोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएँ हैं या बाकी अन्य जो इस तरह की ताकतें हैं, वो जो प्रतिगामी ताकतें हैं सामाजिक मूल्यों की और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की या बाकी इस तरह की तमाम जो भाईचारे की जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति उनको उनकी खिलाफत करने वाली ताकतों को यहीं से ऊर्जा मिलती है, ऐसे साथियों के जो पूरे काम काज हैं वहीं से ऊर्जा मिलती है। उसमें चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का क्षेत्र हो, या तमाम इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनके इंटरलिंकेजेस हैं,
तो मुझे लगता है कि ये एक बात है, और हम इन सारे तमाम साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे आत्रेय जी हैं और रमेश मस्ताना साहब के साथ खास करके, चूँकि फोरम के साथ वो जुड़े हुए रहे, वो अगर कुछ शब्द कहना चाहें तो वो बात कहें। उसके अलावे फिर हम लोग, चूँकि इंट्रोडक्शन वाला एक पार्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोग अपनी अपनी बात कहते हुए और तब उस समय अपना एक नाम बताते हुए आगे बढ़ें, उस समय वो ठीक रहेगा। उस इसके बाद हम लोग